नमस्कार दोस्तों, डीएसटी लॉग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू डीएसटी लॉग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मुंबई से श्री क्षेत्र भीमाशंकर, जो कि पुणे में स्थित है, हम वहां पे आपको आज चलेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त हम आप देख सकते हैं ये मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, हम यहाँ से निकलते हुए, और बारिश हो रही है, तो इस बारिश में एक गाड़ी चलाने का एक अपना अलग ही मजा है। तो ये और हमारे आप देख सकते हो हाईवे के जस्ट बगल में मेट्रो जा रही है, और बारिश में सब सुंदर नज़ारे देखते हुए हम भीमाशंकर की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, मुंबई से हम भीमाशंकर की जो दूरी है वो करीबन 230 किलोमीटर की दूरी है, और ये आप देख सकते हो ये पहला जो टोल है ये ऐरोली का टोल है। ये ऐरोली का टोल हमने क्रॉस किया है, जो कि 45 रुपीस इस टोल का कॉस्ट है, और ऐरोली का टोल क्रॉस करते ही हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नवी मुंबई में। और ये नवी मुंबई जो एरिया है ये हमें कनेक्ट करेगा मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे है उसके ऊपर। तो अभी इस वक्त हम दोस्तों वाशी में चल रहे हैं। ये वाशी है, आप देख सकते हो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है मुंबई में। तो दोस्तों, वाशी के बाद आएगा पनवेल, और पनवेल से ही जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है वो शुरू होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है, और हमें जो सेकंड टोल प्लाजा है वहाँ से हमें लेफ्ट लेना, तो ताकि हम पूरा हमें पुणे तक नहीं जाना है, हमें लोनावला तक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हमारे साथ में रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बारिश में हाईवे पे गाड़ी चलाने का एक अपना अलग ही मजा है, अलग ही एडवेंचर है। तो बने रहिए हमारे साथ और मौसम को एंजॉय करते रहिए। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो है, जिसे बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेस वे कहते हैं, वो अभी शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, मौसम को एंजॉय करिए, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे अच्छे अच्छे टनल्स आएंगे, उसको देखना ना भूले। तो ऐसी एक एडवेंचर ड्राइव के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मौसम का मजा उठाते रहिए। तो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ये जो पहला टोल प्लाजा पड़ा है, ये खालापुर टोल प्लाजा ऐसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बगल में खालापुर करके एक सिटी है, और काफ़ी सुंदर ऐसा एक छोटी सी सिटी है। तो ये खालापुर टोल प्लाजा है, इसका जो प्राइस है वो 210 रुपये इस टोल आपको लगेगा। तो दोस्तों, खालापुर क्रॉस करने के बाद आपको जो नेक्स्ट टोल लगेगा वो है तलेगांव। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। लोनावला और खड्डाला की खूबसूरत वादियों को क्रॉस करके हम अपने जो हमारा गंतव्य है श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हम उसकी तरफ निकलते हुए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जो हमारा सेकंड टोल प्लाजा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है तलेगांव टोल प्लाजा। तो दोस्तों, आपको तलेगांव जो टोल प्लाजा है उसमें आपको लेफ्ट की तरफ चलना है, क्योंकि आपको शार्प लेफ्ट लेना है। तो जो तलेगांव टोल प्लाजा है, यहाँ पे आपका 120 रुपये टोल लगेगा,
और यहाँ से आप देख सकते हैं शार्प लेफ्ट जो है वो भीमा शंकर के लिए है। यहाँ से आपको तलेगांव सिटी के अंदर ही पहले ये आपको रोड लेके जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से सीधा 70 किलोमीटर भीमा शंकर। तो दोस्तों आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, और ये जो भीमा शंकर तलेगांव से भीमा शंकर का जो रास्ता है वो काफ़ी सिंगल है और थोड़ा सा सुनसान है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उस हिसाब से आपके हिसाब से आइए, और बाइक लेके यहाँ पे मत आइए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंगली जानवर भी रहने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों मौसम का आनंद उठाइए क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड भी बढ़ गई है और ठंड के साथ ही जो है फॉग भी रास्ते पे आ गया है। तो आप देख सकते हो पूरे रास्ते में कैसा फॉग ही फॉग है, और जंगल के बीच में हमारी कार चल रही है, काफी सुनसान है, हमें दूर दूर तक कोई गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, एकदम सुनसान रास्ता है। तो दोस्तों ऐसे एडवेंचर राइड्स आपको लेने हैं तो आप एक बार बारिश के मौसम में आप जरूर आइए भीमा शंकर। तो दोस्तों ऐसे रोमांचक सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं भीमा शंकर। आप देख सकते हो हम सुबह सुबह पहुंचे हैं, करीबन 6 बजे, अभी 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे पूरे अभी सब बंद है क्योंकि काफ़ी जल्दी हम पहुंचे हैं। और आप देख सकते हो पूरा जो कोहरा है, फॉग है, पूरे भीमा शंकर में फैला हुआ है, बारिश भी हो रही है उसके साथ में। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि ये जो भीमा शंकर है सह्याद्री पर्वत में ये मंदिर स्थित है, और यहाँ से जो है भीमा नदी यहीं से निकलती है और आगे दक्षिण में जाके कृष्णा नदी में ये मिलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर जो है जो हमारे आराध्य दैवत हैं हिंदू हृदय सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे, ऐसी इतिहास में इसकी नोंद है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मंदिर का जो प्रांगण है, ये हम अभी नीचे सीढ़ियाँ उतर के जो मंदिर है नीचे है और आपको ऐसे नीचे उतरना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ऐसा कम से कम 50 सीढ़ियाँ आपको ऐसे नीचे उतर के जाना पड़ेगा। और दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे भीड़ भी लगी हुई है। सुबह 6:45 बजे की पहली आरती हो रही है, इसकी वजह से हमें थोड़ा इंतज़ार यहाँ लाइन में करना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आरती अभी खत्म हो चुकी है और हम लाइन में खड़े हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो सामने श्रद्धालु जो है, ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर मेन मंदिर है, यहाँ से श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और अभी हम लाइन में खड़े हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो हॉल है, यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आने के बाद 10 मिनट बैठते हैं, फिर आप बाहर जा सकते हो। लेकिन यही अगर भीड़ रहेगा श्रावण सोमवार वगैरह जब चलता है तो यहाँ पे रुकने के लिए नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और ये आप दर्शन करिए सबसे पहले नंदी भगवान के, उसके साथ ही आप नंदी भगवान के दर्शन करके फिर आप अंदर चलिए। तो बोलिए दोस्तों ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों करीबन 15 से 20 मिनट में हमारा दर्शन हो चुका है और आप जैसे ही दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको ये सामने ही सबसे पहले शनि भगवान के आपको दर्शन मिलेंगे। तो आप शनि भगवान के दर्शन करिए और दर्शन करके आप जैसे ही मंदिर के बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको और नंदी भगवान के यहाँ पे भगवान हैं, आप उनके भी दर्शन करिए। और यहाँ का जो अगल बगल की जो चीज़ें हैं आप उसे देखिए क्योंकि ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश भी हो रही है और ये जो आप नीचे देख रहे हो ये यही भीमा नदी का उगम है, यहीं से भीमा नदी यहाँ से प्रकट हुई है। तो ये भीमा नदी का उगम है और काफ़ी बारिश हो रही है और आप देख सकते हो पानी का फोर्स, क्योंकि पूरा
जो जंगल है, और जंगल में यहाँ पे कहते हैं कि बारिश काफ़ी होती है, और अभी भी फॉग नहीं गया है। करीबन 6:30 बज रहे हैं। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं, आप भी एक बार आके दर्शन जरूर करिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो जो दुकानें सुबह बंद थी अब सब खुल गई हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ा है, यहाँ का पेड़ा बहुत ही फेमस है। तो एक बार आप यहाँ का पेड़ा ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी टेस्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉल्स अभी सब ओपन होने शुरू हो गए हैं, करीबन 7:30 बज रहे हैं, और जो भाविक हैं वो भाविक भी जो भक्त आना उनका लगातार चालू है, और उतने भक्त दर्शन करके अभी जा भी रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मौसम भी काफ़ी सुहाना है यहाँ पे। तो आप जैसे ही चलो चलो मंदिर के बाहर आएंगे तो आपको ये सारी जो दुकानें हैं ये आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी सुबह सुबह कुछ ही दुकानें शुरू हैं, कुछ बंद हैं। यहाँ पे चूड़ी की, प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो दुकानें हैं 8:30-9 बजे सुबह के बाद ही लोग खोल रहे हैं। दोस्तों भीमा शंकर के जो आसपास का एरिया है आपने कल रात में देखा है, अभी आपको दिन में मैं एक बार फिर से ये दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और पूरा फॉगिश हो गया है यहाँ पे, जो पूरा जंगल है ये पूरा, यहाँ पे काफ़ी सारे जंगली जानवर भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि आप लोग यहाँ पे पैदल मत चलिए, गाड़ी में ही चलिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर यहाँ पे रास्ते पे और जंगल में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जगह जगह पे पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है, जैसे सोमवार को या किसी त्यौहार में या श्रावण में जब जहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आ जाती हैं तो ऊपर जो है प्राइवेट गाड़ियाँ या किसी भी गाड़ियों को जाने नहीं देते हैं, यहीं पे आपको पार्क करना है गाड़ी, और यहाँ से जो है ये जो सरकारी बसेस हैं ST की, यहाँ पे आपको ऊपर लेके जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही सुंदर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।